Hi guys, this is Anjali and thank you so much for watching this video. और हम लोग अभी अभी अपने गांव पहुंचे थे और खाना वाना खा के अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम आए हैं थोड़े से अपने सफर के गंदे कपड़े वगैरह वो वॉश करने. लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाली हूँ. पहाड़ में होता है एक नौला बोलते हैं उसको. अब आप सोचोगे नौला क्या होता है. एक्चुअली नौला बेसिकली होता है कि पुराने टाइम में जो पानी होता था वो लोग नौले से लेते थे. पहाड़ के अंदर गड्ढा करके पानी निकालना पहले के ज़माने में एक बहुत बहुत मुश्किल टास्क था. आई थिंक इम्पॉसिबल था उस टाइम में. तो जहाँ भी नेचुरल तरीके से पानी के अंदर ज़मीन के अंदर से पानी निकलता था वहाँ पर गांव वाले क्या करते थे कि एक उसको पानी को स्टोर करते थे और एक घर टाइप का एक एरिया बनाते थे और उसको नौला बोलते थे. तो सारे के सारे वहीं से पानी लेते थे अपनी सारी ज़रूरतों के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए. तो मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसा होता है नौला और किस तरह से बनाया जाता था. अब तो अभी तो इस तरह से टैप लग गए हर जगह और इजिली पानी अवेलेबल है. लेकिन पहले ये देखिए, इसके जस्ट बगल में आप जो ये देख रहे हो घर टाइप का, ये घर नहीं है किसी का, ये है नौला जहां से पानी लेने का मेन स्रोत होता था. ये कैसा होता था आइए मैं आपको दिखाती हूँ. अब ये पानी यूज नहीं करते हैं कोई, क्योंकि सब लोग टैप से ही पानी लेते हैं इजिली. लेकिन अभी भी इसके अंदर पानी है. ले जाती हूँ इसके अंदर. अच्छा, नौले के अंदर जूता चप्पल ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि एक तो ये पीने के लिए और चीजों के लिए पानी यूज होता है, तो सफाई इसका रीजन है. दूसरा ये कि इसकी पूजा की जाती है, बहुत माना जाता है इसको, इसलिए इसे शुद्ध और साफ रखा जाता है. इसलिए जूता चप्पल अलाउड नहीं है. इसलिए हम चप्पल उतार के जाएंगे. और ये देखिए अंदर से ऐसे पत्थरों से पूरा ऐसे बनाया है. और ये दिख रहा है आपको, नीचे कहीं से पानी आ रहा होगा और ऐसे पूरा एरिया बना के इसके अंदर धीरे 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 पानी इकट्ठा होता रहता है. और पूरे टाइम पुराने जमाने में पूरा गांव आके इनसे बाल्टी भर के ले जाता था अपने घर और फिर अपनी सारी जरूरतों का काम से करता था. और मैं आपको बता, अभी तो ये पानी पीने लायक नहीं है क्योंकि अभी इसकी मेंटेनेंस होती नहीं है, लोग बाहर टैप का पानी यूज करते हैं. लेकिन मैंने नौले का पानी पिया हुआ है. पहले जब मैं गांव आती थी हम लोग भी नौले से पानी लेके आते थे और पीते थे. ये दो गेट, वन गेट और दो एंट्री इसके. और ये हम बाहर आ गए. और ये है हमारा डॉगी टाइसन. हे टाइसन, टाइसन हाय. तो गाइज मैं बोल रही थी कि मैंने नौले का पानी पिया हुआ है बहुत बार. जब हम बचपन में जाते थे तो नौले से पानी लेके आते थे घर में, घर के कामों के लिए, और नौले में जाके नहाते थे. और इतना मीठा और इतना ठंडा और इतना टेस्टी पानी होता है ना नौले का, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना फ्रेश पानी होता है. मतलब दुनिया का कोई भी मिनरल वाटर फेल है उसके सामने. ट्रस्ट मी, फेल है उसके सामने. इतना शुद्ध पानी होता है नौले का, मतलब प्योर जमीन से आता है और वो भी पहाड़ों की जमीन से, उत्तराखंड की जमीन से, जिसको कहते हैं देवभूमि. देवभूमि इसलिए बोलते हैं उत्तराखंड को क्योंकि यहाँ पे देवता बसते हैं. हिमालय पर्वत है, शिव जी का रहने का स्थान है हिमालय पर्वत है. उन पहाड़ों का ये पानी होता है, तो इतना शुद्ध और इतना अच्छा पानी होता है नौले का. काश मैं इस पानी को भी पी पाती, लेकिन अभी थोड़ा ये गंदा हो गया है तो इसे पी नहीं सकते हैं. ट्राई करूंगी मैं कि मुझे गांव में या कहीं और ऐसा कोई नौला मिल जाए जो अभी भी यूज में हो और उसको गांव वाले यूज कर रहे हैं, तो मैं पक्का उसका पानी पीना चाहूंगी. ये है टाइसन, हमारा डॉग. हम तीनों लोग अभी, ये मेरी दो जेठानियां और एक कहां गई दूसरी, किधर है ये? हाय, आई एम हियर. तो हम लोग अभी इधर आए अपने थोड़े कपड़े वपड़े धोने. एक्चुअली घर में भी पानी अवेलेबल था लेकिन हमें थोड़ा सा एडवेंचर चाहिए था, तो हमने कहा कि हम थोड़ा सा गांव में जाएंगे, जंगल में जाएंगे और वहां पे धो के आएंगे. तो इसलिए हम ये थोड़ा सा बाहर, गांव के बाहर ही नल लगा हुआ है, इस पे कपड़े धोने के लिए आए हैं. और हमारे साथ हमारा सिक्योरिटी गार्ड, हमारा बॉडी गार्ड टाइसन भी आया है. टाइसन, टाइसो देखिए,
तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और एक नई चीज आपने देखी है इस गांव का, पहाड़ों का, उत्तराखंड का नौला, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और टाइसन की तरफ से भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलती हूँ मैं आपको जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।